और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, सीधा रुख आपके सामने करेंगे, क्या मानते हैं आप, मोहन सिंह यादव एक सोचा समझा चेहरा या फिर उस महामंथन का नतीजा? महामंथन से ज़्यादा सोचा समझा चेहरा है। मैं पहले भी हम लोगों ने खबर चलाई थी कि कोई भी इस्टेब्लिश चेहरा या जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो उनको रिपीट नहीं किया जाएगा, नया चेहरा ही हर राज्य में मुख्यमंत्री बनेगा। और पहली शुरुआत आपने कल छत्तीसगढ़ में देखी है, जब एक आदिवासी इलाके से बीजेपी ने जब बहुत अच्छी जीत हासिल की, सरगुजा की 14 सीटें हासिल की, तो विष्णुदेव साई को मुख्यमंत्री बनाया गया। यहाँ भी बीजेपी को बुंदेलखंड का इलाका हो, चाहे रीवा का इलाका हो, इन तमाम इलाकों में जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके हैं, इन तमाम इलाकों से बीजेपी को लग रहा था कि बहुत अच्छी सीटें नहीं आने वाली हैं, वहाँ पर पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो मोहन यादव हो, चाहे जो डिप्टी सीएम बनाए गए हो देवड़ा हो, चाहे राजेंद्र शुक्ल हो, सब उन्हीं इलाकों से आ रहे हैं जो बॉर्डर पर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक बीजेपी के आलाकमान की कि मोहन यादव को भोपाल में बिठाना, क्योंकि इसका असर ज़रूर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा, खासकर उन जिलों की, उन विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगते हैं, बुंदेलखंड से रीवा पर। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का भी काफ़ी बोलबाला है, बीएसपी का भी बोलबाला है। तो मुझे लगता है जातीय समीकरण, नए चेहरे और पिछड़ों को आगे लाने की जो की बात जो प्रधानमंत्री कहते रहे हैं उसमें पूरी तरह से खरा उतरा है। और जहां तक लोग बोलेंगे कि नया चेहरा है, क्या प्रशासनिक अनुभव है, मोहन यादव पहले से मुझे लगता है कम से कम तीन बार जीत चुके हैं। डिप्टी सीएम जो बनाए गए हैं राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, वो भी अगर जगदीश देवड़ा नए हैं तो वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, शुक्ला अपर कास्ट से आते हैं, तो एक जातीय कॉम्बिनेशन ही बनाने की कोशिश यहाँ पूरी तरह से की गई है पार्टी आलाकमान के द्वारा। तो एक सरप्राइज़ है जिसके बारे में हमेशा कहते हैं कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बीजेपी आलाकमान, खासकर प्राइम मिनिस्टर की पसंद कौन होंगे कौन नहीं होंगे। नई पुरानी इस्टेब्लिश पसंद से अब नई पसंद लेकर एक नई झटका लोगों को लग सकता है, क्योंकि ये नाम शायद किसी की लिस्ट में नहीं होंगे, लेकिन ये तमाम नाम ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में पार्टी की दशा और दिशा भी तय करेंगे और मध्य प्रदेश में भी राज करेंगे। और मध्य अगर मोहन यादव अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो मोहन यादव इस नाम का फायदा शायद अखिलेश यादव अपनी अगली रणनीति तैयार करने में जरूर लग गए होंगे, क्योंकि मुश्किल उनके लिए भी होगी, क्योंकि अगर यादव को मुख्यमंत्री बना रही है बीजेपी तो झटका उनके लिए भी उत्तर प्रदेश में जरूर है। अमिताभ जी, आप मानते हैं कि पार्टी जो फैसला यहाँ पर करती है, इससे पहले भी जब कुछ राज्यों में अचानक से वो नाम सामने आए तो भले ही वो उस वक्त सामने नहीं समझ आ पा रहे थे कि आखिर उनकी शख्सियत क्या है, क्या उनका राजनीतिक इतिहास है, वर्तमान में भविष्य की तस्वीर यहाँ पर कैसे रखेंगे, लेकिन इस बीच वो तस्वीरें भी आपके सामने मौजूद हैं जहाँ पर सभी विधायकों का धन्यवाद यहाँ पर मोहन यादव की तरफ से किया जा रहा है, अब मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें यहाँ पर चुना गया है। और मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री का पद भी यहाँ पर संभालेंगे, उन्हें सुनना भी बेहद जरूरी हो जाता है, सुनिए आप सभी। महाकाल की कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है, महाकाल की कृपा से बहुत आगे बढ़ रही हूँ। महाकाल तो बहुत बड़े भक्त है, महाकाल तो जब यहाँ उज्जैन आते तो महाकाल तो जाना होता ही था उनका भी। हाँ हाँ, अभी सुबह भी महाकाल होकर ही आया। ये इनकी बड़ी बहन है कलावती यादव जी। दीदी आप बताएं जी, कितनी खुशी आपको? खुशी तो है ही, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत मिली और पार्टी का क्या आपने कल्पना भी की थी? भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है, 1984 से तत्त काम किया है भारतीय जनता पार्टी का, और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है, निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। उनकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी बाबा महाकाल को लेकर? जब भी उज्जैन में आते थे बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते थे, कल भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर गए हैं यहाँ से। बिल्कुल बाबा महाकाल के और बाबा सभी की, देवी देवताओं की और पार्टी के वरिष्ठों की ये जीत है, और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनको अपनी जिम्मेदारी दी गई है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सीएम होना भी
ईमानदार कार्यकर्ता है, जिम्मेदारी दी गई है, निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को मिलने से हम सब बहुत प्रसन्न हैं। विद्यार्थी परिषद से ही राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है, उनकी गुड़िया बहुत छोटी थी, इतनी बड़ी गुड़िया, उनकी बेटी का बालक है, वो बेटी बहुत इतनी बड़ी थी तब शिवा भैया विधायक हुआ करते थे, उन्होंने कहा मोहन तेरी गुड़िया घुटने चलती है कि नहीं चलती है, तो भैया बोले भैया मैं जब निकलता हूँ घर से वो सोई रहती है, मैं पहुँचता हूँ तब वो सोई रहती है, तो मैं घर पहुँच के देख के बताऊंगा, ऐसी बिना किसी पद पे रहे भी वो इतने व्यस्त और प्रवास में रहते थे, निश्चित रूप से पार्टी का काम करते थे। सर एक मिनट दे रहा हूँ, कलावती यादव, कलावती यादव उनकी बहन, उनकी बहन, 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 को उठाती है और सीधे मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर बैठाती है, और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को एक तरफ जहां लोग कह रहे हैं कि चौंकाया, वहीं दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूं कि एक समान और बहुत छोटे कार्यकर्ता को उठा के मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष पद पर बैठाया, इसका लाभ हम सभी लोगों को मिलेगा और मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करेगी। कोई भी कार्यकर्ता कभी कल्पना नहीं करता है कि वो पीएम बनेगा, सीएम बनेगा, कुछ भी बनेगा, जैसी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वैसे हम निभा रहे हैं, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों इनके दादी का बड़ी बहन बुआ है वो बहुत ही, और मम्मी का नाम क्या है? यादव जी विधायक दल के नेता चुने गए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विद्यार्थी परिषद के माध्यम से विभिन्न दायित्वों को उन्होंने निभाया है, बाबा महाकाल की नगरी से है, पार्टी के समस्त विधायक दलों ने उनका समर्थन किया है, मध्य प्रदेश में नया नेतृत्व आया है, केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार के माध्यम से पुनः जन कल्याण के काम होंगे। मैं सभी विधायक संगठन के जितने भी नेता हैं विशेष नेतृत्व उनको बधाई देना चाहता हूं कि एक जमीनी कार्यकर्ता को जो मौका दिया है, इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो ऐसे काम करती है जो एक आम कार्यकर्ता के लिए जो अंतिम छोर तक फायदा मिलता है वो आज देखने को मिला है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाओं का सामने आना लाजमी है, परिवार के सदस्यों से जुड़ी तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर अब उन्हें खुशी इस बात की है कि घर का बेटा, घर का भाई, घर का सदस्य जो है वो अब मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की कमान यहां पर संभालेंगे। लेकिन खुद नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव ने क्या कुछ कहा वो भी आप जरूर सुने। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये होती योद्धा काली हृदय में आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा, निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। तो शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, वीडी शर्मा, ये वो बड़े नाम थे, वो बड़े नाम थे जो इस रेस में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब मोहन यादव पर मोहर लग चुकी है।